तो आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है टेंस। तो टेंस क्या होता है? ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। तो ये क्या करता है? ट्रांसक्यूटेनियस का क्या मतलब होता है? थ्रू स्किन। तो ये क्या करता है? स्किन के थ्रू जो नर्व्स होती है, हमारी सेंसरी नर्व्स होती है, उसको स्टिमुलेट करता है, ताकि इन द एंड क्या होता है, जो पेन होता है वो कम हो जाता है। तो जो टेंस होता है उसको हम बेसिकली पेन को रिलीव करने के लिए, पेन को कम करने के लिए देते हैं। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको बैक पेन होता है, अर्थराइटिस हो जाता है, तो उसमें भी पेन होता है, तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं? टेंस दे सकते हैं, ताकि उधर का जो पेन है वो कम हो। तो इसको हम पेन को कम करने के लिए यूज़ में लेते हैं। याद रखना कि इसको कभी भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए यूज़ में नहीं लेते। जैसे अपन ने फैराडिक करंट के अंदर देखा था कि वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए यूज़ में लेता है, लेकिन इसको हम सिर्फ पेन को कम करने के लिए यूज़ में लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा करें, इंटेंसिटी जो है बहुत बढ़ा दें, तब थोड़ा बहुत माइल्ड वहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। बट नॉर्मली ये सिर्फ पेन को कम करने के लिए यूज़ में ली जाती है। बहुत ज़्यादा कॉमनली ये जो फिजियोथेरेपिस्ट है अपने क्लिनिक्स के अंदर यूज़ में लेते हैं इस मोडालिटी को, इसलिए आपको अच्छे से पता होना इसके बारे में बहुत ज़रूरी है। तो ये भी जो है लो फ्रिक्वेंसी करंट होता है। जैसे अपन ने फैराडिक करंट पढ़ा था, फैराडिक करंट, गैल्वनिक करंट और टेंस, ये सारे लो फ्रिक्वेंसी करंट्स के अंदर आते हैं। तो ये क्या होता है? एनाल्जेसिक इफेक्ट देता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी भी बताया। और ये पल्स फॉर्म में होता है। पल्स फॉर्म में जैसे आप ये देख सकते हो कि थोड़े टाइम के लिए चलेगा, फिर कुछ टाइम के लिए ऑफ रहेगा, फिर थोड़े टाइम के लिए चलेगा, फिर कुछ टाइम के लिए ऑफ रहेगा। और रेक्टेंगुलर वेव्स की पैटर्न होता है इसके अंदर। और जो फ्रीक्वेंसी है वो इसके बीच में 1 से 120 हर्ट्ज के बीच में रहेगी। जैसे सपोज करो कि हमने सेलेक्ट किया 80 हर्ट्ज, तो 80 हर्ट्ज का मतलब होता है कि एक सेकंड के अंदर 80 जो वेव्स है, 80 स्टिमुलेशंस पेशेंट को मिलेंगे। तो ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर जो पल्स ड्यूरेशन रहती है वो रहती है 50 से 200 माइक्रोसेकंड्स के अंदर, और इंटेंसिटी रहेगी 50 से 100 मिली एम्पियर के अंदर। अब ये जो टेंस है वो मोनोफेजिक भी हो सकता है और बाईफेजिक भी हो सकता है। मोनोफेजिक का मतलब है कि जैसे ये इंटेंसिटी है और ये ड्यूरेशन है, तो मोनोफेजिक मतलब कि सिर्फ एक फेज के अंदर करंट रन करेगा, मतलब सिर्फ प्लस वाली डायरेक्शन के अंदर। लेकिन बाईफेजिक का मतलब होता है कि ऐसे भी होगा, दोनों फेजेस के अंदर जो करंट है वो रन करेगा। तो ये बाईफेजिक भी हो सकता है और मोनोफेजिक भी हो सकता है। सारी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी वगैरह सेट करके फिर क्या कर सकते हैं? हम पेशेंट से पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ पे, किस एरिया के अंदर पेन हो रहा है। जैसे सपोज करो उसने बताया कि मुझे यहाँ पर पेन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? जो हमारी कार्बन इलेक्ट्रोड्स आती है, तो उसके ऊपर जेल लगा के हम जहाँ पे भी पेन हो रहा है उसके ऊपर हम रख सकते हैं, ताकि जो पेन है वो रिलीव हो सके। और कार्बन इलेक्ट्रोड्स के अलावा दूसरी भी इलेक्ट्रोड्स आती है, जैसे एल्यूमिनियम प्लेट्स आती है जिसके ऊपर लिंट की क्लोथिंग उसके ऊपर लगा के फिर हम यूज़ में ले सकते हैं। अब जो पेन है वो क्रॉनिक भी हो सकता है, अक्यूट भी हो सकता है। अक्यूट पेन किसे बोलते हैं? जैसे मेरे यहाँ पे कुछ इंजरी हुई, तो वो अगर इंजरी के बाद में अगर 3 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स के अंदर अंदर का जो पेन होता है उसको हम अक्यूट पेन बोलते हैं। अब अक्यूट पेन जो होता है उस टाइम पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेन सेंसेशन फील होगा, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है? इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होता है। जहाँ पे भी इंजरी होती है उसके बाद में इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन के अंदर आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, बहुत सारे साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, ब्रेडिकाइनिन हो गया, या फिर सेरोटोनिन हो गया, हिस्टामिन हो गया। तो ये सब केमिकल्स क्या करते हैं? हमारी नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करते हैं, और वो भी कौन सी? पेन की जो नर्व एंडिंग्स होती है, नोसिसेप्टर्स जो होते हैं, तो उसको स्टिमुलेट करते हैं। और जैसे ही नोसिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो गए तो वो इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं हमारे ब्रेन तक, और ब्रेन तक जैसे इन्फॉर्मेशन आती है तो हमें पेन फील होता है। तो इस टाइम पे इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होता है, इस वजह से हमें जो पेन का जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है पेशेंट को अक्यूट कंडीशन के अंदर। बट जैसी कंडीशन क्रॉनिक हो जाती है, अब क्रॉनिक किसे बोलते हैं? अगर 6 मंथ्स के बाद वाला, अगर जैसे इंजरी हुई और 6 मंथ्स के भी बाद भी उसको अगर पेन प्रेजेंट है, तो फिर उसे हम क्रॉनिक की कंडीशन बोलेंगे। अब क्रॉनिक के अंदर क्या होता है? पेशेंट को इतना पेन फील नहीं होता, और उसका रीज़न ये है क्योंकि उस टाइम जो इन्फ्लामेशन होता है वो रिजॉल्व हो जाता है, जो इन्फ्लामेशन होता है वो कम हो जाता है। तो उस वजह से जो केमिकल्स होता है वो भी कम हो जाते हैं, ये सारे प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह, तो वो नर्व को स्टिमुलेट नहीं कर पाते इतना। तो इस वजह से क्या होता है? पेशेंट को इतना पेन फील नहीं होता है क्रॉनिक कंडीशंस के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि पेन पाथवे क्या होता है, पेन कैसे हमारी जो जहाँ पे भी इंजरी हुई है उधर से ब्रेन तक लेकर जाता है। अब आपको पेन पाथवे पता होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको टेंस को अच्छे से समझना है कि कैसे हम टेंस को यूज़ में लेते हैं। इसलिए प्लीज़ इस पार्ट को स्किप मत करना और अच्छे से देखना कि पेन पाथवे क्या होता है।
तो अब जैसे जैसे ही मेरे को इंजरी हुई तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे जो नोसिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पेन के स्टिमुलस को लेकर जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे ब्रेन तक लेके जाते हैं, ताकि उसके बाद में इन द एंड हमें जो पेन का जो सेंसेशन है वो फील होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि पेन को कौन कैरी करता है, हमारे नोसिसेप्टर्स। तो नोसिसेप्टर्स जो होते हैं वो कुछ वैरायटी के अंदर अवेलेबल होता है, जैसे ए डेल्टा फाइबर्स, सी फाइबर्स। तो अब जो ए डेल्टा फाइबर्स है वो माइलिनेटेड होते हैं, मतलब उनके जो एक्सॉन होता है उसके ऊपर माइलिन की कवरिंग होती है। अब माइलिन की कवरिंग होने के कारण ये जो पेन की जो स्टिमुलस होती है उसको बहुत फास्ट कैरी करके लेके जाते हैं और हमारे ब्रेन तक पहुंचा देते हैं। लेकिन जो हमारे जो सी फाइबर्स होते हैं वो नॉन माइलिनेटेड होते हैं, मतलब उनके जो एक्सॉन के ऊपर माइलिन की कवरिंग नहीं होती है, तो उस वजह से वो जो पेन का जो स्टिमुलस है वो स्लो कैरी करते हैं। अब जो हम देखते हैं कि जो पेन स्ट्यूमुलेट होता कैसे, कौन कौन से स्ट्यूमुलस है जो पेन को स्ट्यूमुलेट कर सकती है, तो पहला है मैकेनिकल स्ट्यूमुलस। तो मैकेनिकल जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा सीवियर स्ट्रेच हुआ, किसी ने स्ट्रेच किया बहुत ज़्यादा सीवियर तरीके से, तो उस टाइम पे जो नोसिसेप्टर्स है वो स्ट्यूमुलेट हो सकते हैं। और इसके अंदर भी मेनली जो ए डेल्टा वाले जो फाइबर्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्यूमुलेट होते हैं इसकी वजह से। इसके अलावा कुछ थर्मल स्ट्यूमुलस भी होता है। थर्मल मतलब कि बहुत ज़्यादा सीवियर हीटिंग पेशेंट की स्किन के ऊपर लगी, नॉर्मली जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा वाली हीटिंग होती है बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होती है हमारे टिश्यूज़ के लिए, तो उस टाइम पे भी जो हमारे नोसिसेप्टर्स है वो स्ट्यूमुलेट हो जाते हैं और हमें पेन का सिग्नल देते हैं। और उसके अलावा कुछ केमिकल्स होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अभी बताया था कि इन्फ्लामेशन होता है इंजरी के बाद, क्या होता है इन्फ्लामेशन होता है, तो इन्फ्लामेशन के टाइम पे बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, तो ये सब भी क्या करता है, स्ट्यूमुलेट कर सकते हैं हमारी नर्व की एंडिंग्स को, और उसकी वजह से हमें इन द एंड पेन फील होता है। तो अब जैसे सपोज करो कि ये हमारी फिंगर थी, लेफ्ट हैंड की फिंगर है, अब यहाँ पे कुछ प्रिक हुआ, उसकी जो फिंगर थी वो प्रिक हुई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, अब यहाँ पे जैसे फिंगर पे कुछ नेल या कुछ भी प्रिक हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा, ये हमारी नोसिसेप्टर्स का नर्व है तो वो क्या हो जाएगी, स्ट्यूमुलेट हो जाएगी। और वो कैसे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी इंजरी होती है तो उस टाइम पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। अब इन्फ्लामेशन होगा तो यहाँ पे रिलीज होगा सेरोटोनिन, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। अब ये सब केमिकल्स क्या करेंगे, इस नर्व एंडिंग को स्ट्यूमुलेट कर देंगे। तो जैसे ये नर्व एंडिंग स्ट्यूमुलेट होगी, ये पेन का सिग्नल लेके जाएगी कहाँ पे, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर सबसे पहले। तो स्पाइनल कॉर्ड का भी कौन सा रीजन, जो डॉर्सल हॉर्न, जो ये वाला जो है वो डॉर्सल हॉर्न रीजन है, और ये आगे वाले जो है वो वेंट्रल हॉर्न है। बट जो पेन की जो स्ट्यूमुलस है वो डॉर्सल हॉर्न तक जाती है, ये हमारा यहाँ तक का जो नर्व है उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। अब यहाँ पे जैसे ही वो आएगी तो वो क्या करेगा, रिलीज करेगा कुछ केमिकल सब्सटेंस पी। अब ये जो जैसे सब्सटेंस पी रिलीज करेगा तो ये क्या करेगा, सब्सटेंस पी आगे जो भी न्यूरॉन है उसको स्ट्यूमुलेट कर देगा। तो ये वाला जो हमारा न्यूरॉन है ये है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, तो ये है हमारा सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। अब ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो हमारा वेंट्रल हॉर्न होता है उसके एंटीरियो लेटरल साइड में स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स होता है, तो हमारा जो पेन का जो स्ट्यूमुलस होता है वो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स से फिर सबसे पहले कहाँ जाएगा, मिड ब्रेन, फिर पॉन्स, हमारा जो ब्रेन स्टेम है बेसिकली पॉन्स, फिर मेड्यूला, फिर वहाँ से होके ये हमारा थैलेमस है। तो यहाँ पे ये हमारा थैलेमस क्या होता है, रिले स्टेशन होता है। तो हमारा जो थैलेमस होता है, रिले स्टेशन होता है, यहाँ तक का जो न्यूरॉन है उसको हम सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन बोलते हैं। फिर थैलेमस से फिर कहाँ तक जाता है, हमारा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है मेन, जहाँ पे हमें सेंसेशन फील होगा कि हाँ हमें पेन हो रहा है, तो इस ये जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, यहाँ से थैलेमस से जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जो लेके जाता है न्यूरॉन उसको बोलते हैं हम थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। और जैसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक हमारे स्ट्यूमुलस आ गई तब हमें फील होता है पेन को। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर जो मेरी लेफ्ट साइड, लेफ्ट वाला जो एरिया है वहाँ पे अगर पेन अराइज हुआ है तो हमेशा जो ब्रेन का जो राइट वाला एरिया है वहाँ पे हमें सेंसेशन फील होगी। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रास्ट होता है, अपोजिट होता है, जिस साइड में स्ट्यूमुलस अराइज हुई है तो हमारा जो ब्रेन होता है उसका अपोजिट जो पोर्शन होता है वो डिटेक्ट करता है उस स्ट्यूमुलस को। तो ये तो था हमारा असेंडिंग पाथवे। तो ऐसे कैसे एक डिसेंडिंग पाथवे भी होता है। डिसेंडिंग पाथवे बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि डिसेंडिंग पाथवे जो होता है वो हमारा जो असेंडिंग पाथवे है उसको कंट्रोल करता है, मतलब उसको इनहिबिट करने में मदद करता है, मतलब कि जो हमारा डिसेंडिंग पाथवे होगा पेन को कम करेगा। तो अब हम देखते हैं कि डिसेंडिंग पाथवे क्या होता है। जो हमारा डिसेंडिंग पाथवे है उसके दो इंपॉर्टेंट सेंटर्स होते हैं, पीएजी मतलब पैरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर और रेफे मैग्नस। तो इधर से क्या होता है, हमारे जो डिसेंडिंग नर्व्स है तो वो वहाँ से ट्रैवल करती है
और स्पाइनल कॉर्ड का जो डॉर्सल हॉर्न होता है वहाँ तक जो हमारा डिसेंडिंग नर्व है वो आता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा जो डिसेंडिंग पाथवे है वो डॉर्सल हॉर्न के एरिया में आता है। तो यहाँ पे क्या करता है वो, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डिसेंडिंग पाथवे होता है वो हमारा जो असेंडिंग पाथवे होता है उसको इनहिबिट करता है। तो अब वो कैसे करता है ये देखते हैं। अब ये जो इसके अलावा एक इंटर न्यूरॉन भी प्रेजेंट होता है, आप लोगों को ये ब्लू के अंदर दिख रहा होगा, ये जो है हमारा इंटर न्यूरॉन होता है। तो इंटर न्यूरॉन और ये जो हमारा डिसेंडिंग जो नर्व आ रही है ये दोनों मिलकर जो हमारा असेंडिंग पाथवे है ये वाला उसको इनहिबिट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ये जो डिसेंडिंग न्यूरॉन है वो क्या करती है, मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे सब्सटेंस पी रिलीज होता है। तो फिर ये क्या करती है, जो हमारी जो डिसेंडिंग नर्व होती है, जो हमारा ये जो फर्स्ट ऑर्डर वाला जो न्यूरॉन है उसको इनहिबिट कर देती है। तो उस वजह से क्या होता है कि सब्सटेंस पी जो है वो रिलीज़ ही नहीं हो पाता, और सब्सटेंस पी ही तो आगे जाके उसको एक्टिवेट कर रहा था, उस वजह से वो पेन की स्टिमुलस आगे लेके जा पा रही थी। तो अब इसने प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन कर दिया, तो इस वजह से क्या होगा, सब्सटेंस पी रिलीज़ ही नहीं हो पाएगा और वो आगे जाके पेन की स्टिमुलस को लेकर ही नहीं जा पाएगी। उसके अलावा क्या होता है, ये हमारा एक इंटर न्यूरॉन भी प्रेजेंट होता है यहाँ पे, वो क्या करता है कुछ ओपियोइड्स को रिलीज़ करता है, ओपियोइड्स जैसे एनकैफेलिन। तो ये सब जो ओपियोइड्स होता है वो भी क्या करता है, एक तो ये हमारा जो प्री साइनेप्टिक जो न्यूरॉन है, प्री साइनेप्टिक जो है उसको इनहिबिट कर देता है, ताकि उस वजह से सब्सटेंस पी रिलीज़ ही नहीं होगा, केमिकल्स रिलीज़ ही नहीं होंगे। उसके अलावा क्या करता है, ये जो हमारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसको भी इनहिबिट कर देता है। कैसे, डीपोलराइजेशन जो होता है, डीपोलराइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसको इनहिबिट कर देता है। तो अब ना ही डीपोलराइजेशन होगा और ना ही वो फिर आगे जो पेन की स्ट्यूमुलस है वो कैरी करके लेके जा पाएगी। तो उस वजह से जो हमारा ये जो डिसेंडिंग पाथवे है तो वो क्या करता है, हमारा जो असेंडिंग पाथवे है उसको इनहिबिट करता है। तो ये जो हमारा जो डिसेंडिंग वाला पाथवे है जिसकी वजह से पेन जो है वो सप्रेस हो रहा है, तो इसको हम डिसेंडिंग पेन सप्रेशन भी बोलते हैं। इसके अलावा एक और मेथड होता है जिसकी वजह से पेन कम होता है, जिसको बोलते हैं हम पेन गेट मैकेनिज्म। वो मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी उस पूरे प्रोसेस के बारे में कि वो कैसे होता है। अभी तक जो आपने, आई होप कि समझ में आ गया होगा, ये हमारा पूरा पेन पाथवे था। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि पेन गेट मैकेनिज्म क्या होता है, ताकि आप आगे अच्छे से समझ पाए। तो बेसिकली पेन गेट मैकेनिज्म में होता क्या है कि जैसे सपोज करो किसी को हेडेक हो रहा है और हम क्या करते हैं वहाँ पे प्रेस करते हैं, उस वजह से पेशेंट को थोड़ा कम फील होता है हेडेक। तो उस टाइम अपन ने किया क्या, पेन गेट मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर दिया। तो अब ये होता कैसे है कि हमारी कुछ नर्व्स होती है, मैकेनो रिसेप्टर्स कुछ होते हैं, तो वो क्या करता है, जैसे ही कोई भी मैकेनिकल स्टिमुलस आई, जैसे सिंपली हमने यहाँ पे, हमें पेन हो रहा था और हमने वहाँ पे प्रेस किया, तो उस वजह से क्या होता है, हमारे जो मैकेनो रिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अब जैसे ही, अब जो मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं वो लार्ज डायमीटर वाले होते हैं, तो उस वजह से अगर हम थोड़ा सा भी जैसे स्ट्यूमुलस उसको देंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे। बट जो हमारे जो पेन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या होता है, स्मॉल डायमीटर वाले होते हैं, तो उस वजह से उनको बहुत ज़्यादा हाई करंट की इंटेंसिटी देनी पड़ती है, तब कहीं जाके वो एक्टिवेट होते हैं। तो जैसे ही हमारे जैसे मैकेनो रिसेप्टर्स है और जो नोसिस रिसेप्टर्स होते हैं, उन दोनों का जो एरिया होता है वो डॉर्सल हॉर्न ही होता है। तो इस वजह से जैसे हमारे मैकेनो रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो पेन का जो स्टिमुलस है उसको इनहिबिट कर देते हैं। तो पेन का स्टिमुलस आगे जा ही नहीं पाता, ब्रेन उस पेन को सेंस कर ही नहीं पाता, और जो मैकेनो रिसेप्टर्स है वो आगे चले जाते हैं और वो हमारे जो ब्रेन तक पहुँच जाते हैं और पेन के स्टिमुलस को आगे जाने नहीं देते। तो उस वजह से अगर मैकेनो रिसेप्टर्स हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं तो जो पेन का जो स्टिमुलस है वो ब्रेन तक नहीं पहुँच पाता। और इसी चीज़ को हमने क्या किया, यूटिलाइज किया टेंस के अंदर। टेंस में हम क्या करते हैं कि हम मैकेनो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देते हैं ताकि वो पेन के स्टिमुलस को आगे लेकर ना जाए, जो पेन के स्टिमुलस है वो आगे जा ही नहीं पाए। तो उस वजह से हमने इस चीज़ को हमने टेंस के अंदर यूटिलाइज किया। तो अगर जो हमें मैकेनो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करना है तो जो करंट है उसकी इंटेंसिटी अगर हम थोड़ी सी भी रखेंगे तो मैकेनो रिसेप्टर्स हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, पेन को आगे जाने नहीं देंगे। लेकिन अगर हमें डिसेंडिंग, ये जो हमारा जो डिसेंडिंग पाथवे है, अगर हमें उसको एक्टिवेट करना है, उसकी वजह से पेशेंट को पेन रिलीफ पहुंचाना है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना होता है, जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा रखनी होती है। क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि जब हम इंटेंसिटी ज़्यादा रखेंगे तभी ये वाला जो हमारे जो पेन के जो रिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट हो पाएंगे और उसके बाद में हमारा जो डिसेंडिंग पाथवे है वो एक्टिवेट हो पाएगा। तो उस वजह से हमें अगर डिसेंडिंग पाथवे से पेन को कम करना है तो हमें इंटेंसिटी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, लेकिन अगर हमें पेन गेट मैकेनिज्म से अगर हमें पेन रिलीव करना है तो हमें इंटेंसिटी को कम रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैकेनो रिसेप्टर्स ईजिली एक्टिवेट हो जाते हैं। हम देखते हैं मोड्स ऑफ टेंस। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के मोड्स होते हैं, जैसे कि कन्वेंशनल मोड हो गया जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमनली यूज़ में लिया जाता है। उसके अलावा लो टेंस भी होता है जिसको हम एक्यूपंक्चर लाइक टेंस भी बोलते हैं। उसके अलावा ब्रीफ बर्स्ट
मॉड्यूलेटेड, ये सारे टेंस के मोड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कन्वेंशनल टेंस। तो कन्वेंशनल को हाई टेंस भी बोलते हैं। अब ये जो हाई वर्ड है वो किस बेसिस के ऊपर है? फ्रीक्वेंसी के बेसिस के ऊपर। इसके अंदर जो कन्वेंशनल टेंस के अंदर हम फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा रखते हैं, और जो हमारा लो टेंस है, एक्यूपंक्चर लाइक टेंस है, उसके अंदर उसको लो टेंस बोलते हैं। लो क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है हम वो कम रखते हैं। तो अब इसके अंदर जो कन्वेंशनल टेंस है उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, और इसके पैरामीटर्स मैंने लिख रखे हैं। अब इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है उसको तो ज़्यादा रखते हैं, बट जो इंटेंसिटी है उसको कम रखते हैं। तो इंटेंसिटी जो है वो लो रहती है, अराउंड 12 से 30 मिली एम्पियर। जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा रखती है, ऐसे नाम आपको सजेस्ट कर रहा है कि हाई टेंस। तो हाई मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, 80 से 120 हर्ट्ज। और जो पल्स ड्यूरेशन बेसिकली इसको बोलते हैं, तो जो हमारा जो पल्स ड्यूरेशन है वो 50 से 80 माइक्रो सेकेंड्स तक रहेगा। और ये जो ड्यूरेशन है ये पूरा ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है, तो हम नॉर्मली इसको 20 से 60 मिनट्स के बीच में हम देते हैं। अब इसके अंदर जो हमारा जो कन्वेंशनल टेंस है, अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि लो इंटेंसिटी पे रखा गया है। तो इंटेंसिटी जो है वो लो ले रखी है। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि जो पेन गेट मैकेनिज्म होता है उसके अंदर हम लो इंटेंसिटी रखते हैं, क्योंकि जो मैकेनोरिसेप्टर्स होते हैं उनका लार्ज डायमीटर होता है, तो इस वजह से वो इजीली लो इंटेंसिटी के ऊपर भी एक्टिवेट हो जाता है, पेन को रिलीव करने में मदद करता है। तो इस वजह से हमारा जो कन्वेंशनल मोड है वो पेन गेट मैकेनिज्म की वजह से पेन को रिलीव करता है, तो उसकी वजह से हमें जो इंटेंसिटी है वो कम रखनी होती है। अब ये हम लो टेंस को देखते हैं, तो लो टेंस के अंदर लो वर्ड आ रहा है, इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम लेंगे इसके अंदर। तो हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं 2 से 5 हर्ट्ज। जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा रखते हैं। अब हमेशा याद रखना इसके अंदर जो अपोजिट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी जो और इंटेंसिटी जो है वो अपोजिट में चल रही है। तो फ्रीक्वेंसी इसके अंदर लो थी तो इंटेंसिटी हम ज़्यादा लेंगे। इंटेंसिटी कितनी लेंगे? 30 मिली एम्पियर और मोर। अब ज़्यादा इंटेंसिटी ले रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ये किसकी मदद से पेन को कम करेगा? हमारा जो डिसेंडिंग पेन सप्रेशन वाला मेथड है उससे कम करेगा। और इसके अंदर जो पल्स ड्यूरेशन भी होती है वो लंबी होती है। इसके अंदर जो पल्स ड्यूरेशन थी वो शॉर्ट थी, इसके अंदर जो पल्स ड्यूरेशन होती है वो लॉन्ग होती है, 150 से 300 माइक्रो सेकेंड्स। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, पूरा जो ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है वो 30 से 40 मिनट्स तक रहता है। तो अब देखो हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों के ग्राफ को, कि इधर ये इंटेंसिटी है, ये टाइम है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है कि एक सेकेंड के अंदर कितनी जो स्टिमुलस है वो आ रही है। तो जो फ्रीक्वेंसी इसके अंदर ज़्यादा थी, तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर 4 स्टिमुलस है और इसके अंदर सिर्फ 3 ही है, तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी कम है और इसके अंदर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। जो इंटेंसिटी, ये वाला जो लाइन है वो इंटेंसिटी की है, तो इसके अंदर इंटेंसिटी कम है बट इसके अंदर इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। इसमें फ्रीक्वेंसी कम है, इंटेंसिटी ज़्यादा है, और इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और इंटेंसिटी जो है वो कम है। और उसके अलावा आप देख सकते हो जो पल्स की ड्यूरेशन है वो कितने छोटे छोटे हैं ये, और ये बड़े हैं। इसके अंदर जो पल्स की ड्यूरेशन होती है वो ज़्यादा होती है, तो आप देख सकते हो उसका जो विड्थ है उससे। अब जो हमारा हाई टेंस था उसके अंदर हम क्या कर रहे थे? इंटेंसिटी को कम रख रहे थे। उस वजह से अगर हम पेशेंट के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे तो उसको हल्का फुल्का टिंगलिंग टाइप सेंसेशन होगा, और अब इंटेंसिटी कम है तो उस वजह से कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और मेनली ये हम अक्यूट कंडीशंस के अंदर यूज़ में लेते हैं। लेकिन जो हमारा लो टेंस था उसके अंदर क्या था? हम इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा रख रहे थे, तो उस वजह से वहाँ पे थोड़ा बहुत विजिबल कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंटेंसिटी ज़्यादा है और वहाँ पे जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंसेशन भी फील होगा, और वो मेनली हम क्रॉनिक कंडीशंस के अंदर यूज़ में लेते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो जो कन्वेंशनल टेंस है वो क्लिनिकल एरियाज़ के अंदर ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। मतलब हम क्लिनिक्स के अंदर हाई टेंस को, कन्वेंशनल टेंस को ज़्यादा यूज़ में लेते हैं, लो टेंस को इतना यूज़ में नहीं लेते। उसकी जगह हम बर्स्ट टेंस को ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ बर्स्ट टेंस क्या होता है। जो बर्स्ट टेंस है कन्वेंशनल टेंस की तरह बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ में लिया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि पैकेट्स के फॉर्म में बहुत सारी जो स्टिमुलस है वो पेशेंट को दी जाती है। अराउंड इसके अंदर 1 से 10 हो सकती है हमारी स्टिमुलस, तो ये पैकेट्स के फॉर्म में पेशेंट को दी जाती है, और जो पेशेंट है वो उसको एक स्टिमुलस की तरह ही सेंस करता है। मतलब उसको ऐसा फील नहीं होता कि एक 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 अलग अलग मुझे स्टिमुलस मिल रही है, वो पूरी इसको एक स्टिमुलस की तरह ही सेंस करता है। तो एक पूरा पैकेट का स्टिमुलस उसको मिलता है, फिर थोड़ा सा गैप आता है, उस टाइम उसको कुछ फील नहीं होता, फिर वापस से हम उसको स्टिमुलस देते हैं। तो ये ऐसे पल्स की फॉर्म में चलता है। तो अब इसके अंदर क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी हम जो लेते हैं वो होती है 50 से 100 हर्ट्ज। अब इसके अंदर आप याद रखना कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों इसके अंदर ज़्यादा रखी जाती है। तो फ्रीक्वेंसी इसके अंदर लेते हैं 50 से 100 हर्ट्ज, और जो इंटेंसिटी हम लेते हैं वो लेते हैं
20 से 50 मिली एम्पियर। तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है इसके अंदर और फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है इसके अंदर। तो इस वजह से इसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हाई टेंस और लो टेंस दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और ये दोनों पेन गेट मैकेनिज्म से भी पेन को रिलीव करती है और जो हमारा जो डिसेंडिंग पेन सप्रेशन है उससे भी ये पेन को कम करता है। और इसका जो पल्स ड्यूरेशन रहता है वो रहता है 50 से 200 माइक्रोसेकंड्स और जो पूरा जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है वो 20 से 30 मिनट्स का रहता है। अब आप हमेशा याद रखना, जो हाई टेंस होता है, जो कन्वेंशनल टेंस होता है, वो हमेशा जो पेन को कुछ टाइम के लिए कम करता है, मतलब कुछ बहुत थोड़े टाइम के लिए। लेकिन जो हमारा जो लो टेंस है और जो हमारा बर्स टेंस है वो ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो पेशेंट का जो पेन है वो कम करता है। बट फिर भी हम लो टेंस को इतना प्रेफर नहीं करते, हम बर्स टेंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा जो पेशेंट है उसको कंफर्टेबल फील होता है एज़ कम्पेयर टू लो टेंस। तो इस वजह से हम बर्स टेंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है ब्रीफ टेंस। तो ब्रीफ टेंस नॉर्मली फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में इतना यूज़ में लेते नहीं है। इसके अंदर बेसिकली जो हमारा जो लोकल पेन होता है उसको कम करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। और ये जो होता है सर्जरीज के टाइम यूज़ में लेते हैं। सर्जरीज मतलब कि जैसे कोई भी वुंड डेब्रिडमेंट वाली सर्जरी, वुंड डेब्रिडमेंट मतलब कि हमारा जो वुंड है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेक्रोटिक टिश्यू आके मतलब जो हमारा वुंड है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेक्रोटिक टिश्यू डिपॉजिट हो गया है, उस वजह से अब उसको क्या करना है, हटाना है ताकि जो हमारा जो नया हेल्दी टिश्यू है वो एक्सपोज हो सके। तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है, वो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल सर्जरी होती है। तो ऐसे सर्जरीज जो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है तो उस टाइम पे हमें ब्रीफ टेंस देते हैं ताकि जो पेन है उसको कम फील हो। तो उस टाइम पे हम ब्रीफ टेंस दे सकते हैं। अब जो ब्रीफ टेंस होता है वो बहुत फास्ट जो पेन है उसको बहुत ज़्यादा फास्ट कम करता है और बट थोड़े से टाइम के लिए कम करता है, क्योंकि सर्जरीज में क्या चाहिए अपन को, बहुत ज़्यादा फास्ट पेन को कम करवाना है, बहुत जल्दी पेन को कम करवाना है। तो इस वजह से हम ब्रीफ टेंस को यूज़ में लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रैपिड पेन को कम कर देता है। और इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी हम नॉर्मली 125 से 250 हर्ट्ज लेते हैं और ये पल्स ड्यूरेशन रहता है इसका। और जो पूरा जो ड्यूरेशन का जो पूरा जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है वो 15 मिनट्स रहता है। अब इसके अलावा हम मॉड्यूलेटेड टेंस भी यूज़ में लेते हैं। मॉड्यूलेटेड टेंस बेसिकली पेशेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी सबको सेट करते हैं, पल्स ड्यूरेशन, तो ये सारा जो पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम सेट करते हैं।